अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पाकिस्तान आर्मी की जॉब्स के बारे में देखेंगे। तो वीडियो के स्टार्ट पे बता दूं कि 3000 जॉब्स जो हैं वो आ चुकी हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग वो देखेंगे किस किस एरिया में है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मैं आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दिस इज अ रिक्वेस्ट कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसको जरूर लाइक किया करें। चलें जी शुरू करते हैं। दिस इज अवर वेबसाइट dia.pk। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इस वेबसाइट के थ्रू आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी में जॉब्स हैं जिसकी जो कि 3000 जॉब्स हैं। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की शुरू में बताती चलूँ कि 15 अप्रैल, 15 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज 16 मार्च है तो 15 अप्रैल तक आप इसके के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब टाइप जो है वो फुल टाइम है। इसके अलावा अब हम लोग हाइट और एज वगैरह रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं। तो जो कि नायब खतीब के लिए जो एज और हाइट होनी चाहिए आपकी, वो है आपकी 20 से 28 साल उम्र होनी चाहिए और आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फीट 3 इंचज, यानी कि 5 फुट 3 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा जो एज एंड हाइट है सिपाही के लिए वो 17 to 23 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 17 से 23 साल तक की आपकी जो है वो एज होनी चाहिए। और इसके लिए भी हाइट लिमिट उन्होंने बता दी है 5.6। इसी तरह मिलिट्री पुलिस हाइट के लिए, जो मिलिट्री का जो पुलिस है उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, 5.8 होनी चाहिए। क्लर्क के लिए 5.3 होनी चाहिए। सैनिटरी वर्कर और स्वीपर्स के लिए 5.3 होनी चाहिए। तो ये था जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें एज और हाइट के बारे में बताया गया। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन उन्होंने क्या मांगी है। तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें तो जूनियर जो कमिश्नर ऑफिसर है GCO, उसके लिए उन्होंने कहा है कि FA या FSC आपकी जो है होनी चाहिए। इसके अलावा जो सिपाही है उसके लिए आप इंटरमीडिएट हों या फिर आप लोग मैट्रिक पास हो सकते हैं। सिपाही क्लर्क जो है उसके लिए उन्होंने कहा है कि इंटरमीडिएट हो या इक्विवेलेंट आप लोगों का कोई कंप्यूटर डिप्लोमा इसमें हो सकता है, क्योंकि इसमें क्लर्क में आप लोगों को भी आइडिया है थोड़ा सा कि सारा कंप्यूटर से रिलेटेड काम होगा, तो कंप्यूटर डिप्लोमा भी इसमें आपके पास हो सकता है। और इसके बाहर जो सिपाही कुक है उसके लिए उन्होंने बताया है कि मिडिल पास कैंडिडेट, ठीक है। अब ये आगे से इसकी एक एडवर्टीजमेंट है जो कि वेबसाइट पर मैंने अपलोड कर दी है। आप इस आए इसको देखें और इसे देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ बताया गया है, अहलियत, आपका उम्र, औकात, तालीमी काबिलियत जो कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, सिपाही, जरूरी कागजात, इंतखाबी तरीकाकार और सब कुछ। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का बताया हुआ www.joinpakarmy.gov.pk। ये वेबसाइट आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, जब आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिकली वहां पर चले जाएंगे जहां पर इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल है, वहां पर जाएं, ऑनलाइन अप्लाई करें। एंड विश यू वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर। कहीं भी आप लोगों को कोई इश्यू आता है तो दिस इज हेयर, हमारा वेबसाइट व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे आए कॉन्टेक्ट करें। आई ट्राई माई बेस्ट के मैं आपको एट द टाइम रिस्पॉन्स कर सकूं। मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो में, कुछ मजीद जॉब्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए मजीद अच्छी जॉब की अपडेट्स के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखें और इसको उन तमाम लोगों के साथ जरूर शेयर किया करें जो किसी ना किसी जॉब की तलाश में हैं। मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।